बिहार में कोरोना से बढ़ते संक्रमण की रोकथाम के लिए राज्य सरकार 31 जुलाई तक संपूर्ण लॉकडाउन लगाया है। वहीं लॉकडाउन को सख्ती से पालन करने को लेकर पटना पुलिस बेवजह सड़कों पर घूमने वाले लोगों पर कड़ी नज़र बनाई हुई है। इसी क्रम में महात्मा गांधी सेतु पर भी वाहनों की जाँच एवं बेवजह घूमने वाले लोगों पर पुलिस सख्ती से कार्रवाई कर रही है। जहां पुलिसकर्मियों का कहना था कि कोरोना वायरस की रोकथाम को लेकर पुलिस सख्त है और वाहनों की जांच की जा रही है, सिर्फ इमरजेंसी सेवा और मालवाहक वाहनों को छोड़कर अन्य सभी वाहनों की जांच की जा रही है। वहीं वाहन जांच के साथ बिना मास्क पहने लोगों पर भी पुलिस सख्ती से पेश आ रही है। मास्क तो सभी के लिए अनिवार्य है, चाहे वो गाड़ी में हो और चाहे पैदल घूम रहे हो, सभी के लिए मास्क अनिवार्य है। और गांधी सेतु पर उन्हीं वाहनों का संचालन है जो खाद्य सामग्री लेने आने जाते हैं, मालवाहक है, और ऐसे साधारण जिनका निजी वाहन है, चार चक्का है, वो लॉकडाउन का पालन करते हुए डिस्टेंस बना करके आ जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, SDF न्यूज, पटना।